मुझे पता था कि शाहरुख खान की दिल से की शूटिंग फिल्म सिटी नोएडा में हो रहा है। जिंदगी में और खासकर विजुअल मीडिया में ओनली कॉन्फिडेंस वर्क्स। फरा पेपर से बोल रहा हूँ, उसने उस नाम से मुझे शाहरुख खान से कनेक्ट करा दिया। मेरे पास आज भी वो 20 साल पुराने वो अखबार की पूरे पूरे अखबार रखे हुए, पीले पड़ चुके हैं अखबार। तो नाग जी, आपका सफर कैसे शुरू हुआ एंकर बनने का? क्योंकि जब आप जर्नलिस्ट बने तो इतने सारे न्यूज चैनल्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त ये डिसीजन लेना कि मैं शायद इस फील्ड में अच्छा करूंगा, ये कैसे मतलब आपने सोचा? मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं लीडिंग न्यूज़पेपर में काम करता हूँ, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया चुना। मैं एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में घुसा और मुझे पता था कि ये एक वहां जो उनका एडिटोरियल सेक्शन था जिसमें कि वो पर्टिकुलर पेपर आता था, वीकली पेपर होता था, सैटरडे संडे को आता था, उनके एडिटर का मैंने नाम पूछा और मुझे नाम तो पता था कि वो बैठती कहाँ पर है, एक महिला थी, और उनका पता पूछते हुए सीधे पहुंच गया। मेरे कॉन्फिडेंस को देख के मुझे किसी ने रोका भी नहीं। अच्छा। और मैंने जाकर उनसे सीधे कहा कि काम करना चाहता हूँ और मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो नहीं, आपका परिचय तो दीजिए। परिचय दिया मैंने, तो उन्होंने कहा आपने कोई कभी कहीं काम किया? मैंने कहा कोई काम नहीं किया मैंने, बस मुझे इंटरव्यू करना है और मुझे कल पता है कि कल कोई स्टार आने वाला है, वो पता है और मैं आपको इंटरव्यू ला सकता हूँ। इत्तेफाक से जिस दिन मैंने बताया, मुझे पता था कि शाहरुख खान की दिल से की शूटिंग फिल्म सिटी नोएडा में हो रही है। अच्छा। तो उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा तुमको पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, वो आ रहा है, तो तुम इंटरव्यू कर सकते हो? मैंने कहा हाँ इंटरव्यू ले आऊंगा आपका। ओके, तो थोड़ा सरप्राइज थी कि कैसे लाओगे। मैंने कहा मेरे पास डिक्टा फोन है, मैं उनका प्रॉपर इंटरव्यू करूंगा उनका। अच्छा जाइए करके लाइए, अगर करके लाएंगे तो हम आपको छापेंगे। मेरे पास बाइक होती थी, मैं पहुंचा। अब मुझे ये तो पता था कि शाहरुख खान आ रहे हैं, कि शाहरुख खान कब आएंगे, कितने बजे शूट होगा, पता लग गया कि यहाँ पर है। तो मैंने वहां फोन करके उसी अंदाज में फोन किया, कॉन्फिडेंस से। मैंने कहा शाहरुख खान कहाँ होटल में रुके हुए बताइए। तो मुझे होटल का नंबर बता दिया। जब होटल में फोन किया तो उसने कहा कि, मैंने कहा कि मैं उस फरा पेपर से बोल रहा हूँ, कनेक्ट कराइए। उसने उस नाम से मेरे को शाहरुख खान से कनेक्ट करा दिया। मैंने शाहरुख खान को बोला कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, इंटरव्यू चाहिए आपका। तो ठीक है, मैं आप इतने बजे वहां पर पहुंच रहा हूँ, आप आ जाइए। मैं गया, उनका प्रॉपर मैंने सवाल अपना नोट करके गया था ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो वो बहुत शक्की रह गई, बोले तुमने ये कर दिया? लोगों को रहता था कि अच्छा तुम शाहरुख खान से मिले, तुम आमिर खान से मिले, तुम जाकिर हुसैन से मिला था, नसीरुद्दीन शाह से मिला था, मैं पीनाज मसानी का इंटरव्यू मैंने किया था उस दौरान। मेरे पास आज भी वो 20 साल पुराने वो अखबार की पूरे पूरे अखबार रखे हुए, पीले पड़ चुके हैं अखबार, लेकिन वो मेरे पास आज भी है और मैंने अपने ब्लॉग पर भी कुछ वो फोटो डाले हुए हैं। ये काम चलता रहा, फिर टीवी में आ गया, तो टीवी में भी बस पता चले अनुराग जी, ये जी जो इंटरव्यू आपका कोई सुन रहा हो एस्पायरिंग एंकर, वो चला जाए किस दिन कॉन्फिडेंस में किसी न्यूज चैनल में और आपकी ये स्टोरी डुप्लीकेट। मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में और खासकर विजुअल मीडिया में ओनली कॉन्फिडेंस वर्क्स। आपको कुछ ना आता हो लेकिन आप ऐसा शो करिए, बस आप ही ज्ञानी है।